खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। सपा ने मेरे साथ धोखा किया, ओपी राजभर ने कहा। ओपी राजभर का बड़ा बयान अखिलेश यादव का था, हमको 12 रिजल्ट सीटी गई, उसमें भी सपा ने अपने कैंडिडेट उतारी। ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, खबर कानपुर से है, जहां रायपुरवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। युवतियों को अगवा कर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। गैंग में एक महिला सहित 5 लोग हुए गिरफ्तार। अभी तक 6 से ज्यादा लड़कियों को बनाया अपना निशाना, खबर कानपुर से है। बेची गई युवतियों को बरामद करने का पुलिस कर रही है प्रयास, खबर लखनऊ से है, जहां यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का बड़ा बयान। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान, बाल संरक्षण आयोग का पत्र संज्ञान में आया है, चेयरमैन ने कहा। एनसीईआरटी सिलेबस के तहत हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, चेयरमैन ने कहा। मदरसों के बच्चों को मॉडल शिक्षा भी दी जा रही है। मदरसों में गैर मुस्लिम तो संस्कृत स्कूलों में भी गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं। मिशनरी स्कूलों में भी हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ हूं। बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर पुनः विचार करे। मीडिया के जरिए से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र संज्ञान में आया है और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मदरसे में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं जो हर धर्म के होते हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष से मैं निवेदन करूँगा कि वो एक बार पुनः विचार करें और इस तरह के पत्र से एक समाज में अजीब सी सोच पैदा होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम सब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं दुश्वारी पैदा होगी। खबर यूपी से है, जहां शीतलहर के कारण कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए। 14 जनवरी से 1 से 8 तक के बच्चों के लिए कक्षाएं रहेंगी बंद। कुछ दिन पहले शासन ने 7 तारीख तक बंद करने के दिए थे आदेश, अब 14 जनवरी तक कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। समस्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए आदेश। यूपी में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पुराने गंभीर रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर वार्ड की मंजूरी। पैलिएटिव केयर वार्ड के लिए 15 लाख रुपए प्रत्येक अस्पताल को जारी। अभी प्रदेश के 15 जिलों में संचालित हो रहे थे पैलिएटिव केयर वार्ड। योजनाओं को विस्तार देने में कोताही न बरतें, बृजेश पाठक ने कहा। जिला अस्पताल और वार्ड बनाने के लिए जारी किया गया बजट। खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोबाइल शॉप पर चोरी करने वाले 2 चोर गिरफ्तार। दुकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को देते थे अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का सामान खरीदने वाले भी गिरफ्तार। चोरों के पास से 10 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट सहित कई चीजें बरामद की गई। खबर लखनऊ से है, एक आरोपी बब्बू की तलाश में पुलिस लगातार दे रही दबिश।
बहराइच का हिस्ट्री शीटर अमृतलाल रेखी की बात करता था चोरी। बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी समेत कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है आरोपी। हमारी पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें जो उनके मोबाइल गायब थे 11 मोबाइल, 10 मोबाइल बरामद हुए हैं और एक मोबाइल बरामद हुआ है जो कि गोमती विस्तार में भी एक चोरी हुई थी नवंबर में खरगापुर में, उसका भी एक मोबाइल बरामद हुआ है। चूंकि ये मोबाइल वो यूज कर रहा था तो वो ट्रेस किया गया तो कनेक्ट हो गया, गोमती विस्तार की घटना का मोबाइल है। और जो टैबलेट जो चोरी हुआ था वो टैबलेट भी बरामद हो गया है। इनके पास से सरिया भी बरामद हुआ है जिस सरिया से इन्होंने शटर को तोड़ा था, और स्मार्ट वॉच भी बरामद हुआ है। पैसे भी इनके पास से बरामद हुए हैं, 40,000 रुपये ये चोरी किए थे उसमें से 2,200 रुपये जो बरामद हो गए हैं। तो सारी चीज़ें लगभग लगभग जो पुलिस ने सफलता बड़ी हासिल की है और चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही है, पुलिस इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत। प्रयागराज में तैनात है मृतक पुलिस इंस्पेक्टर अमर सिंह। खबर प्रतापगढ़ से है, अतू थाना क्षेत्र के कल्याणपुर इलाके में हुआ एक्सीडेंट। इंस्पेक्टर की कार में तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। मुकदमे को लेकर रायबरेली जा रहे थे इंस्पेक्टर अमर सिंह। प्रतापगढ़ से खबर आ रही है जहां तेज तर्रार माने जाते थे इंस्पेक्टर अमर सिंह रघुवंशी। बुलंदशहर से निर्माण कार्य के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर दबा। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। सूचना पर एसडीएम सीओ सहित कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद। घायल मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव बिगराऊ का है पूरा मामला। ये होनेवल हाईकोर्ट का मैटर था, हाईकोर्ट का आदेश था, हमें इसे पूरा करना था, समय दिया था, उसके हिसाब से हम कार्य करा रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार जो है तो एकदम दीवार पलट गई, हमारे जो है लीवर साथी दब गए जो है, लेकिन हम जो है स्वस्थ हैं ईश्वर कृपा से, इस बोले कोई दिक्कत नहीं। बाकी सी मैम एस डी मैम आ गई है, पूरा पुलिस पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित। एक हमारे जो मजदूर थे वो दबे हैं और फिर वो हॉस्पिटल गए हैं और जो है स्वस्थ हैं ईश्वर कृपा से, जल्दी जल्दी आराम मिलेगा। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, अंग्रेजी हुकूमत के दौर का 100 साल पुराना पुल गिराया गया। क्षेत्र के 20,000 लोगों का आवागमन हुआ प्रभावित। 100 साल के पुराने पुल को गिराया गया, पीडब्ल्यूडी अफसरों की निगरानी में गिराया गया अंग्रेजी हुकूमत का पुल। खबर बुलंदशहर से है, नए सिरे से होगा पुल का निर्माण। बुलंदशहर के ऊपरकोट स्थित मामन पुलिस चौकी पर स्थित है पुल। ये पुराना पुल है और ये गंजा अवस्था में है, तो इसको तोड़ा गया है और इसे बनाया जाएगा, तो उसकी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। और क्योंकि ये लगातार टूट गिर रहा है इसलिए इसे विभाग ने पहले गिरवा दिया है। इस पर हम 2018 से लेटर पैड लगा रहे थे पुल को पास कराने के लिए। इसको DM साहब हमारे मौजूद हैं, अभी भी DM साहब यहीं पर शासनकाल चल रहे होंगे, और ADM सर और सिटी मजिस्ट्रेट चली गई हैं मीरू नाराज थी, उनके टाइम में कमेटी भी बनाई गई थी। ये अंग्रेजों के टाइम का पुल बनाया हुआ है। कितना वर्ष हो गए होंगे इसको? लगभग 100 साल से ऊपर का पुल है। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जहां घर में घुसा तेंदुआ। लोगों में दहशत का माहौल है। खबर अलीगढ़ से है जहां घर घुस गया तेंदुआ। तेंदुए का लाइव CCTV फुटेज आया सामने। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, परिवार के 5 सदस्य घर में किचन में जान बचाकर छुपे। घर के आसपास और छत पर ग्रामीणों की जुटी भारी भीड़। खबर अलीगढ़ से सामने आ रही, जहां घर में तेंदुआ घुस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम। रेस्क्यू टीम का हो रहा इंतजार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।